बाय। इधर दिखो बोलना। चलो बाय। ऐसा ऐसा करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शबक है। बाय। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी बच्चे चले गए हैं और मैंने सुबह सुबह बच्चों को भेज दिया है। और कहाँ पर भेजा है, क्यों भेजा है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ। कल शाम में मैंने धोए थे तो सुबह तक वो अच्छी तरह से सूख गए। तो अभी मैं इन सारे कपड़ों को समेट के रख दूँगी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है मंडे का दिन, सुबह का वक्त है। टाइम अभी 10:15 बज चुके हैं। बच्चे थोड़ी देर पहले ही अम्मी के घर पर चले गए थे। क्यों मैंने भेजा था? क्योंकि अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो इसलिए आज मैं अपना क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने बच्चों को वहाँ पर भेज दिया है। अम्मी देख लेंगे उनको और मेरे हस्बैंड शाम में आते आते बच्चों को बुला के ले के आ जाएंगे। तो अभी अगर बच्चे रहेंगे ना तो जल्दी से काम नहीं होता है, और दोनों थोड़ी देर खेल लेते हैं, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है। तो फिर उस वक्त ना आयान रोते आ जाते हैं आयान, और फिर उनको संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए सोचा कि मैं बच्चों को भेज दूँगी तो अम्मी वहाँ पर देख लेंगे और यहाँ पर मेरा काम चलता रहेगा आसानी से। और अभी मैं तो अभी क्लीनिंग अभी शुरू नहीं करी हूँ। तो थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो मैंने कल धोए थे, तो वो अभी सूख गए थे, तो मैंने पूरे समेट के रख चुकी हूँ। और अभी थोड़े बहुत नाश्ते के प्लेट्स हैं तो वो भी मैं अभी धो के रख दूँगी। तो मेरा डेली रूटीन का काम जो होता है सुबह के टाइम का, वो सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपना अभी क्लीनिंग भी शुरू कर दूँगी। तो पहले मैं अपना घर की सफाई में पहले मैं किचन से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि किचन में ना बहुत टाइम लग जाता है इसलिए। और पूरे सामान निकालूंगी और फिर उनको धोऊंगी, फिर अच्छी तरह से धूप में सूख जाएगा, क्योंकि अभी आजकल तो अच्छी धूप निकल रही है तो जल्दी से सूख जाएंगे। फिर उसके बाद मैं अपना किचन फिर से सेट कर दूंगी और उसके बाद मैं बाकी के सारे रूम्स भी क्लीन कर दूंगी। तो पहले किचन से स्टार्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी के काम फिर चलते रहेंगे। तो ये सब कुछ हो जाएगा तो अभी टाइम रहेगा, तो जल्दी हो जाएंगे तो टाइम रहेगा, तो घर की धुलाई भी हो जाएगी। धो दूँगी या फिर वरना कल धोऊँगी, देखेंगे कब तक होएंगे मेरे काम। तो जल्दी जल्दी से अपना हाथ चलाना है अभी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, चलिए अपना काम शुरू कर लेते हैं। और अभी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर लिया है। मैंने पहले छोटे बेडरूम से स्टार्ट किया था, तो छोटा बेडरूम पूरा मेरा कम्प्लीटली हो चुका है। और अभी मैं हॉल में आ गई हूँ, तो हॉल में पहले फ़ैन से शुरू कर लेंगे। तो फ़ैन का पूरा अभी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ फ़ैन को, और फिर हॉल भी हो जाएगा तो तब मैं किचन में जाऊँगी।
तो फिलहाल आज तो मैं सोचा कि पहले किचन हॉल और छोटा बेडरूम सेट कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, तो टाइम रहेगा तो तब मैं बड़ा वाला बेडरूम भी क्लीन कर दूंगी। तो ऐसा सोच के मैंने स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मैं झाड़ू से ही पूरा जाला झाड़ा रही हूँ, मुझे झाड़ू से ही कंफर्टेबल लगता है और अच्छी तरह से इसकी ऊपर तक भी अच्छी तरह से पहुंच जाता है, अच्छी हाइट है झाड़ू की, तो इसलिए। और मेरे पास दो झाड़ू रखे हुए थे, तो डेली एक मैं घर पूरा झाड़ लेती हूँ, तो दूसरा नया वाला रखा हुआ था, तो उसी को मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ जाला झड़ाने में। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और हॉल का क्लीनिंग सब कुछ मेरा कम्प्लीटली हो गया है। और अभी यहाँ पर बर्तन का स्टैंड था तो मैंने उसे हटा दिया है, क्योंकि मुझे उसे भी धोना था इसलिए, और मैंने उसे धोने के लिए डाल दिया है, तो जल्दी से सूख जाएगा, तो फिर सारे बर्तन उसमें आसानी से सेट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं सारे दाल और ये सब दाल वगैरह सब कुछ मैं अभी इसमें से निकाल के इन सारे डिब्बों को मुझे अभी धोना है, तो इसलिए मैं अभी इन सबको हटा रही हूँ। सारे डिब्बे मैंने धो दिए थे, तो यहाँ पर मैं पीछे बालकनी में खाट को बिछा दिया था, और इसके ऊपर अभी मैं सारे सामान जमा दूँगी धोकर, तो जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ना यहाँ पर अच्छी खासी धूप आती है, तो जल्दी से सूख जाएंगे, तो फिर मुझे सारा किचन सेट कर देना है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही डीप क्लीन करती हूँ, अगर डीप क्लीन करूँगी ना डीप क्लीनिंग, तो ऐसे ही खाट को बिछा के सारे सामान धो के यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ, तो जल्दी सूख जाते हैं।
फाइनली अभी आप देख सकते हैं मैंने सारे सामान धो के रख चुकी हूँ और अभी टाइम 1 बज गए थे मुझे सारा किचन क्लीन करते करते, और अच्छी खासी धूप भी है और 1 बजे की धूप तो आप जानते हो कैसी होगी, तो बहुत हद तक सारे सामान सूख गए हैं और जितने भी सूख गए थे उन सबको अभी मुझे हटाना है क्योंकि हॉल में भी अभी मुझे क्लीनिंग बाकी है, तो शोकेस में जितने भी क्रॉकरी आइटम्स हैं उन सबको धो के यहाँ पर सूखने डालना है। इसलिए और भी बहुत सारे सामान हैं घर में लेकिन मैंने उनको अभी तक अनपैक नहीं किया है। जब मैं इस घर में आई थी तब यहाँ पर आकर मुझे करीब 2 साल होने वाला है, तो तब जब हम आए थे यहाँ पर तो बहुत सारे सामान मैंने स्टोरेज प्लेस में ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि जगह कम बढ़ रही थी और अयान भी तब छोटे थे, तो बच्चों को लेकर बार बार इतने सारे सामान क्लीन करना पॉसिबल नहीं था इसलिए। और अभी उन सारे चीज़ों को अनपैक नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा उन सब चीज़ों को निकालने। और भी बहुत सारे शोपीस आइटम्स है और हॉल में भी उतने ज़्यादा अलमारी नहीं है और कबोर्ड्स भी नहीं है, तो सोचा कि मैं अभी इन चीज़ों को नहीं निकालूँगी। और अभी आप देख सकते हैं पूरी किचन की हालत, और यहाँ पर किचन काउंटर पर सब कुछ ग्रोसरी आइटम्स है जो मैंने खाली किए थे डिब्बे, तो इन सबको मुझे अभी अरेंज करना है। तो पहले मुझे किचन को क्लीन करना है, इन सारी अलमारियों को क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद पेपर्स डालूँगी, फिर उसके बाद मैं सारे सामान लाकर फिर से सेट कर दूँगी। तो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने कैसे सेट किया है वो आपको आगे आने वाले व्लॉग में पता चलेगा, तो कल मैं उस व्लॉग को अपलोड करूँगी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।